जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रवृत्ति भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनिएगा, रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम, आपको पता है कि रेडियो ऑपरेटर का जो आप लोग फॉर्म डाले थे उसमें टोटल तीन प्रकार के पद थे। जो रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती आई थी उसमें टोटल तीन प्रकार के पद थे। पहला था कार्यशाला कर्मचारी का, लगभग 120 पद था। सहायक परिचालक का 1374 पोस्ट था और प्रधान परिचालक का यानी कि हेड कंडक्टर का 936 पोस्ट था। तो यह जो पोस्ट था, जो रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत भर्ती आई थी, रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत जो भर्ती आई थी, आपको पता होगा अच्छी तरीके से, तो उसमें कार्यशाला तकनीकी की 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 और प्रधान परिचालक के 936 पोस्ट थे। इसके देखिए, इस फॉर्म को भरे हुए लगभग कम से कम 4-5 महीने का दिन हो गया। अभी पुलिस प्रवृत्ति भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आई है। उस नोटिस में दो बातें क्लियर की गई है। पहला क्या है कि यह जो एग्जाम होगा वह ऑफलाइन मोड पर होगा। समझिएगा, यह जो एग्जाम होगा वह ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR पर होगा। यह जो एग्जाम होगा वह कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, OMR पर होगा। और दूसरा चीज, इस एग्जाम को कराने के लिए पुलिस प्रवृत्ति भर्ती बोर्ड ने कहा है, इस एग्जाम को कराने के लिए टेंडर निकाला है और उस टेंडर की अंतिम तिथि 6/10/2022 है। समझिएगा बात को, उसने कहा है कि कौन ऐसा, मतलब कह सकते हैं एग्जाम कराने वाला हीरो है या कह सकते हैं एग्जाम कराने वाला कंपनी है जो एकदम निष्पक्ष एग्जाम, आपको पता है कि कितना निष्पक्ष एग्जाम हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रवृत्ति भर्ती बोर्ड ने कहा कि कोई एक ऐसा आए सामने जो निष्पक्ष एग्जाम कराने के लिए इस निविदा यानी कि इस टेंडर को, इस पर टेंडर प्रस्तुत करे कि हाँ सर, हम एग्जाम कराएंगे, निष्पक्ष एग्जाम कराएंगे। 6/10/2022 इस टेंडर की अंतिम तिथि है, 6/10/2022 इस टेंडर की अंतिम तिथि है और इस 6/10/2022 पर जो कंपनी आएगी, अपना टेंडर भरेगी और जो इसके लिए एलिजिबल होगी उसके टेंडर मिल जाएगा और इसके आगे प्रक्रिया होगी एग्जाम की, इसके आगे प्रक्रिया होगी कि परीक्षा की। ध्यान से सुनिएगा, टेंडर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आगे प्रक्रिया किस पर चलेगी? परीक्षा पर। तो यहां से एक चीज समझिए कि अभी जो है ना, अभी टेंडर की बात हो रही है, इस एग्जाम के टेंडर की बात हो रही है, आगे आने वाले समय में किसकी बात हो रही? परीक्षा की। तो अभी मोटी मोटा देखा जाए तो इसके एग्जाम में, रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में लगभग मानकर चलिए तीन से चार महीने का, हम कह सकते हैं 3 से 4 महीने का समय है। 4 महीना ना कहा जाए, 3 महीना कहा जाए तो सही रहेगा। 3 महीने का समय है और इस 3 महीने के समय में अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो समय को व्यर्थ ना करिए, अपने आप को तैयारी में झोंकिए, मेहनत करिए, है ना। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, हमने सोचा कि आपको इंतला कर दें। कुछ लोग तो इस फॉर्म को भरकर ही भूल गए होंगे, हमने सोचा कि थोड़ा सा इंतला कर दें कि क्या क्या मैटर है। तो इसके एग्जाम कराने के लिए, या ऑपरेटर के इतने पदों के एग्जाम कराने के लिए निविदा की अंतिम तिथि 6/10/2022 है। जो इस निविदा का काम कंप्लीट होगा उसके बाद आगे परीक्षा की रणनीति आयोग बनाएगा और परीक्षा की रणनीति, पहली बात तो परीक्षा ऑफलाइन होगी और आयोग बनाएगा। मानकर चलिए 3 महीने के आसपास समय है और 3 महीने के आसपास हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जितने लोग फॉर्म भरे हैं सब लोग तैयारी पर जुट जाइए। अच्छा खासा पद है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, संघर्ष है, यह पद नहीं है, यह संघर्ष है। संघर्ष करेंगे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।